हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवान्स वर्ल्ड। तो आज हम आलू बैगन टमाटर का मज़ेदार सी चोखा भरता की रेसिपी शेयर करेंगे। सो देख सकते हैं, इसके लिए हमने दो टमाटर लिया है, एक बैगन लिया। बैगन को चाकू से बीच से कट कर लें, देख लें कुछ सड़ा पड़ा तो नहीं है। देख सकते हैं बैगन हमारा बिल्कुल साफ है, क्लियर है। और आलू को भी, तीन से चार आलू को हमने कुकर में बॉयल करने के लिए रख दिया है। इधर बैगन और टमाटर को गैस पर हम इस तरह से पका लेंगे, एक जाली रख देंगे, उसकी हेल्प से बैगन और टमाटर को हम आग पे डायरेक्ट पकाएंगे। और आलू को हमने उबाल लिया है कुकर में डालकर, इससे चोखे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहें तो बैगन टमाटर को भी आलू के साथ बॉईल कर सकते हैं, बट इस तरह से बैगन और टमाटर को पकाएंगे तो एक चूल्हे वाला टेस्ट आएगा आपको भरते में। हम लोग बैगन का भरता बोल सकते हैं, बैगन का चोखा। और हमने आज बैगन आलू टमाटर दोनों तीनों मिक्स करके बना रही हूँ। सो अब इंडक्शन पे पैन चढ़ाएंगे। पैन में हमने तेल डाला है, सरसों तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़ा सा सरसों डालेंगे। देख सकते हैं 1 पिंच हमने पीली वाली सरसों डाली है और 8-10 लहसुन की कलियाँ छीलकर हमने कट कर ली थी वो डाली हूँ। और इन सबको थोड़े से फ्राई होने देंगे। उसके बाद हमने 3 से 4 हरी मिर्ची महीन महीन कट करके रखी थी वो डालें। और उसके बाद एक बड़ा सा प्याज हमने रफली महीन महीन चॉप्ड कर लिया था वो डालेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। और इस तरह से चोखा बनाएंगे तो आप रोटी पूड़ी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, सत्तू के पराठे के साथ तो ये बहुत ही अच्छा जाता है। उसके बाद हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और हम थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे। बस इन सब में इन्हीं मसाले और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च हल्का सा डालेंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा चोखे का। सो इस तरह से हम सारे मसालों को भून लेंगे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक। फ्लेम हाई फ्लेम पे ही हम भूनेंगे इस तरह से। और बहुत ही क्यूक रेसिपी है, आप जब चाहें बहुत ईजली बन जाती है। सो देख सकते हैं इस तरह से, अब 3 से 4 आलू थे, 2 टमाटर थे हमारे, 1 बैगन थे, सबको अच्छे से हमने छील लिया था। और डालने के बाद हम धनिया पत्ता डालेंगे और मैसर की हेल्प से इन सबको अच्छे से हम मैश कर देंगे। सब तो ऑलरेडी कुक ही हैं, सो अब बस इन सबको मैश करेंगे और 2 से 1-2 मिनट तक थोड़े से भून लेंगे चोखे को। और हमारा मस्त सा चटपटा टेस्टी आलू टमाटर बैगन का चोखा रेडी है। और सत्तू के पराठे या लिट्टी के साथ तो ये बहुत ही अमेजिंग लगता है फ्रेंड्स। एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमने ये लंच में बनाया था, ये आप खिचड़ी के साथ भी बना सकते हैं, दाल भात के पे चोखा बनाते हैं तो भी आप ये चोखा ट्राई कर सकते हैं। सो अब हम कलछी की हेल्प से और लास्ट में हल्का सा पास्ता मसाला डालने से बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। सो पास्ता मसाला या मैगी मसाला जो भी है आपके घर में है अवेलेबल तो डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। और देख सकते हैं मज़ेदार सा हमारा आलू टमाटर बैगन का चोखा रेडी है। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बस हमारा चोखा बन के रेडी है। और आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी डालती रहती हूँ। सो अब हम इसे सर्व करेंगे। देख सकते हैं हमने इंडक्शन ऑफ़ कर दिया है और एक बाउल में मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा चोखा बन के हमारा रेडी हुआ है। सो ये बैगन आलू टमाटर के चोखे की रेसिपी एक बार आप लोग भी ज़रूर अपने अपने घरों में ट्राई करें और आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालकर इसे सर्व करेंगे। और इसे हमने लंच में बनाया था खिचड़ी के साथ, सिंपल खिचड़ी के साथ ये चोखा सर्व किया था। आप रोटी पूड़ी पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं।